कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक्वापोलिस शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। साथ ही मॉल की खिड़कियां तोड़कर धुआं बाहर निकाला जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि कस्बा इलाके में स्थित मॉल में दोपहर करीब 12:15 बजे लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को लगाया गया। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अग्निशमन अभियान जारी है और कुछ दमकल कर्मी ऑक्सीजन मास्क पहनकर इमारत में दाखिल हुए हैं। वहीं कोलकाता यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरा इलाका धुएं से भर गया है और मॉल के सामने यातायात की आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एक्वापोलिस शॉपिंग मॉल में जिस वक्त आग लगी अंदर कई सारे लोग मौजूद थे और आग लगते ही मॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग बस किसी तरह से मॉल से बाहर निकलना चाहते थे। मॉल के अंदर फंसे लोगों को किसी तरह से निकाला गया। राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है।